तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम आए हैं चूड़सित बाबा, क्योंकि आज सोमवार है, तो यहाँ पे सोमवार का दिन होता है। हम निकले हैं अभी फ़िलहाल, ये चूड़सित बाबा की सीढ़ी है, ऊपर खड़ा हुआ है। ये बंदे हैं जो हम साथ में आए, ये हमारे गांव के ही बंदे हैं लड्डू, इनके हाथ में प्रसाद, तो इनको हम चढ़ाएंगे। मैं भी लाया हूँ, वो मैंने पीछे बैग में रख रखा है। और ये साहिल है, साहिल में वही बात ही है कि हम दोनों, तो भाई हमारे का इतना बटा देख सकते हो आप। अब हम सीढ़ी पार कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा आपको सीढ़ी वीडी वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, बहुत ऊँचा चढ़ना है ऊपर, तो और मैं आगे आपको दिखाऊँगा। ओके, तो भाई शायद अभी मैंने आधी सीढ़ी भी पार नहीं की और थोड़ा सा सांस वगैरह चलने लगा है, लेकिन आज पूरा चलेंगे। तो आगे आगे बंदर बैठा हुआ है, तो मैं थोड़ा बंदर को भी आपको बंदर से रूबरू कराऊंगा। तो गाय देख सकते हो, तो बंदर ये बैठा हुआ है यहाँ पे, और मेरे में आ रहा फोन लेके जाएगा क्या है, लेकिन भाग गया, बहुत अच्छी बात। वो एक और आ गया यार, पूछ बहुत उठा के आ रहा है। तो गाय देख सकते हो आप, और हम जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ देख सकते हो यहाँ बैठे रेडी पड़े। तो दोस्तों अब हम पहले तो जैसे फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ती है ना, तो ऐसे जाती है, तो अब हम फिर फ्लाइट नीचे उतरती है तो ऐसा आती है, तो हम अब ऐसे आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये जो है मेरे साथी, पाइए चुटकी बोले जाए लेडीज को, इसको एक गूठी पाई है, वीटी भी बोलते हैं इसको, रिंग भी बोलते हैं। तो जो आप अपनी भाषा में बोलते हो वो बोल सकते हो, लेकिन हमारी भाषा में इसको गूठी बोलते हैं। आप देख सकते हो इसको मिली हो, अगर कोई पहचान रहा हो तो ले सकता है हमसे, वीडियो में देख के हमारा मोबाइल नंबर, तो हम उनको पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शायद 10-20 रुपए की, इतना इसकी वो भी नहीं है, कीमत नहीं है, लेकिन इसके लिए तो कौन फोन करेगा, कोई नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगता है साहिल है, इसको देगा ही नहीं, क्योंकि बहुत वो है। और यहाँ पे कुछ बंदर बैठे हैं, दो देख सकते हो मेरे पीछे की तरफ, खा रहे हैं। ये क्या खा रहे हैं पता है? कुछ दाने वगैरह ऐसे कुछ खा रहे हैं, पीछे लिखा है। तो एक बार आगे चलता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वो एक छोटा सा बच्चा आया पीछे से, अब यहाँ नाश्ते पाने के लिए पकौड़े वगैरह बन रहे हैं, देख सकते हो आप। ये देखो छोटू बैठा हुआ है यहाँ पे, ये पकौड़ी है, तो किसी को नाश्ता वगैरह करना है तो यहाँ कर सकते हो आप। बाकी और आगे चलता हूँ, ये देखो साहिल भाई यहाँ सिगरेट मांग रहा है इनसे, तो देख सकते हो आप यहाँ पे क्या ले रहा है साहिल। साहिल क्या ले रहे हो? वो डंडी एसके स्टूडियो वर। तो देख सकते हो भाई साहब, यहाँ ताज़ा पकौड़ी बनती है एकदम। और पानी पी को भाई, मूली तेज पानी छोड़ो पी लो, मैं ये भी ना बच कर। देख सकते हो यहाँ पे, देख नज़ारा पूरा जबरदस्त। तो साहिल ने यहाँ पे सिगरेट जोड़ ली, सिगरेट लेके और सिगरेट पी गए। और ये फारूक जी को जल्दी लग रहा है भाई हमसे आगे आगे, मुझे ऐसा लगता है इसको लड्डू की ज्यादा भूखे है, इसीलिए बोल रहा है जल्दी करो। मैंने कि चलो ठीक है, चलते हैं भाई। और यहाँ देख सकते हो ये बाबा है जो प्रसाद वगैरह यहाँ पे दे रहा। तो फारूक जी यहाँ पे प्रसाद खरीद रहे हैं, तो फारूक जी कितने? 20 रुपए की प्रसाद ले रहे हैं, तो 20 रुपए की प्रसाद यहाँ पे
फारूक जी ने खरीद ली, मुझे ऐसा लगता है 10 की खरीदी है। हाँ 10 की खरीदी है, 10 वापसी ले लिया। सॉरी मैंने बोल दिया अभी इसकी, लेकिन इसने 10 की खरीदी कंजूस है। और यहाँ देख सकते हैं देख सकते हो। अब देख हमको सामने जहाँ से बंदा आ रहे वहाँ पे जाना है, तो हम चलते हैं आगे दिखाते हैं आप। तो गाइज हम ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ बंदे, यहाँ पे देख कुछ बंदर वगैरह कुछ खा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, वो कितना सा छोटा सा सुंदर सा बच्चा है। तो एक वो ऊपर बैठा हुआ सामने आप देख सकते हो, देखो ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। इधर देख सकते हो, तो फाइनल गाइज हम आ गए, वो सामने देख रहा है, तो वहाँ पर हमको जाना है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को बंद कर देता हूँ, अलाउ नहीं अंदर। तो सो हेलो गाइज, अब हम फाइनल प्रसाद चढ़ा के नीचे आ गए हैं, तो अब हम घर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो फाइनल हमने जो प्रसाद लाए थे हम चढ़ा के आ गए हैं, बट अब मैं नीचे आ रहा हूँ वहाँ से, तो घर की तरफ यहाँ से हम निकल रहे हैं। और आप इधर जो ये प्रसाद नाली आने पर ले ली, क्योंकि हमने इनको बोला था, तो इसने कुछ दिल में ऐसा समझा कि मेरी थोड़ी वो हो रही है, तो इसने इसलिए प्रसाद ले ली भाई। तो 10 रुपए की ले ली थी, कोई बात नहीं। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ये हिरन है, ये पानी भरने पीने के लिए आई है, और ये बाबा इसको नहा रहा है। तो बाबा इसको ऊपर बुला रहा है, फाइनल आ गई ऊपर, तो अब बाबा इसको नहलाएगा। देख सकते हो बाबा इसको अच्छे से नहला रहा है, बहुत ही अच्छे से। तो ये भी बहुत ही अच्छे से स्नान कर रही है, देख सकते हो बाबा मेहनत कर रहा है इसको नहलाने के लिए, और कुछ खाने के लिए भी लाया हुआ है इसके हाथ में है बाबा के, तो इसको शायद नहला के खिलाएगा मुझे ऐसा लगता है। बाबा इसको बहुत ही अच्छे हाथ से नहला रहा है, तो देख सकते हो तो बाबा आज ही आई है कि रोज आती है आपके पास इधर? हमारे पास ही रहती है। तो भाई बाबा बोल रहा है ये हमारे पास ही रहती है, तो बाबा ने ये छोटी सी पाली थी, तो बाबा को छोड़ के जाती नहीं है, तो बाबा के पास में ही रहती है। तो इन दोनों का बहुत अच्छा प्यार है, एक साथ में रहते हैं। तो बाबा ने ऐसे पाली थी जैसे छोटे से बच्चे को पालते हैं, तो इस तरह बाबा ने पाली थी। तो बाबा इसको नहला रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बाबा ने पाली है। तो एक बार मैं टच करता हूँ इसके हाथ में, देखता हूँ मुझसे डरेगी या नहीं डरेगी, देख सकते हो। तो भाई इसका दिख रहा है मेरे को कुछ भागने का विचार है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। तो फाइनल में इसके हाथ लगाता हूँ, तो फाइनल मैंने इसके हाथ लगा लिया, तो बहुत ही अच्छी कुछ नहीं बोल रही है। तो भाई बहुत ही आराम हो रहा है, पानी पीला के लेकर आया बाबा इसको, अब नहला रहा है। तो इसको गर्मी बहुत है, आज बहुत गर्मी है, तो अच्छे से नहा रही है ये भी, देख सकते हो। तो दोस्तों कोई भी जीव हो, कैसा भी जीव हो, कोई बुरी हालत में है तो उसको पकड़ के उसका ट्रीटमेंट करो, कुछ भी जो भी सेवा दे सकते हो आप वो दीजिए, क्योंकि ये जानवर जो भी होता है इनमें भी अपना जैसी जान होती है, जैसा दर्द अपना अपने होता है ऐसा इनके होता है। तो ये साहिल इसको चमका रहा है,
देख सकते हो तो ये साथी हैं जो हमारे हैं। तो फाइनल दोस्त बहुत ही अच्छी स्मार्ट वो है यार, देख सकते हो।